ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली विभाग के ALM को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी और नेवल में यह आरोपी कार्यरत था। तो ये बड़ी खबर, अब ACB की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से सामने आई है। बिजली विभाग के ALM को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते आरोपी को ACB की टीम ने काबू किया है। ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने के एवज में आरोपी ने रिश्वत मांगी थी। तो आरोपी नेवल में कार्यरत था, जिसको रिश्वत लेते ACB की टीम ने रंगे हाथों काबू किया है। फिलहाल ALM को गिरफ्तार कर लिया गया है और ACB की टीम की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है। भी एक हमारे को शिकायत प्राप्त हुई कि एक शिकायतकर्ता से उसके ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए एक ALM ने, जिसका नाम सचिन है, नेवल में तैनात था, वो उस द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। जो उसने फिर जब हमारे को यहाँ शिकायत दी करनाल में, तो उसकी शिकायत पर टीम गठित की गई और उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नेवल करनाल से गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की डिमांड की थी और आगे अभी तफ्तीश जारी है। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि इस प्रकार के अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अगर अपनी डिमांड करते हैं, तो विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्यूरो जो हमारा है, जिसको पहले विजिलेंस कहा जाता था, यहाँ आके खुद भी शिकायत कर सकते हैं। और हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1064 और एक और है 1800 180 2022। टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं।